यहाँ पर राम अवतार शाक्य से लेकर के आलोक शाक्य तक लगातार समाजवादी पार्टी से ही विधायक होते रहे। भोगांव में भी इस बार जो यहाँ पर लोगों ने गलती विधानसभा में किया है उसका प्रायश्चित करके आज भारी मतों से भोगांव सीट पर भी जीत समाजवादी पार्टी हासिल करने जा रही है। भाजपा पहली बार शाक्य प्रत्याशी नहीं बना रही, कई बार बनाई, हर बार मुंह की खानी पड़ी है, इस बार भी मुंह की खाएगी। हर बार भाजपा हारी है, इस बार भी हारेगी और इस बार तो भाजपा की जमानत जब्त होने जा रही है। आज हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनको कि समाजवादी पार्टी ने लगाया है। शाक्यों के वोटों की किस तरीके से ये अपने पक्ष में लामबंद करते हैं मंत्री? भोगांव विधानसभा का जो रिकॉर्ड रहा है समाजवादी पक्ष में नहीं देखने को मिलता है, इस बार क्या नतीजे रहेंगे? अरे आप लोग बैठ जाए, चाय की व्यवस्था है। मैनपुरी लोकसभा परंपरागत रूप से समाजवादी पार्टी की रही है। पिछले लगभग 45-50 सालों से लगातार नेताजी मुलायम सिंह यादव जी या फिर जिन पर उन्होंने हाथ रखा वो यहाँ सांसद होता रहा है। यहाँ पर राम अवतार शाक्य से लेकर के आलोक शाक्य तक लगातार समाजवादी पार्टी से ही विधायक होते रहे। कुछ सैकड़ों वोट से हारने पर ये नहीं कह सकते कि ये सीट समाजवादी पार्टी की नहीं रही। नहीं, विधानसभा में भी, विधानसभा में तो मिलती है। भोगांव में भी इस बार जो यहाँ पर लोगों ने गलती विधानसभा में किया है उसका प्रायश्चित करके आज भारी मतों से भोगांव सीट पर भी जीत समाजवादी पार्टी हासिल करने जा रही है। भोगांव के लोग देख रहे हैं कि हमारे ही क्षेत्र के नेता आलोक शाक्य को समाजवादी पार्टी ने जिला अध्यक्ष बनाकर पूरे जिले की बागडोर सौंपी है। इसलिए भोगांव के लोग आलोक शाक्य के भी सम्मान में, अखिलेश यादव के सम्मान में और उससे ज़्यादा नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के सम्मान में अपना आशीर्वाद और वोट साइकिल के सामने बटन दबाकर डिंपल यादव को देने की तैयारी कर चुके हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने शाक्य प्रत्याशी बनाया है, आपने तो सिर्फ जिलाध्यक्ष बनाया, वो भी जब इलेक्शन के टाइम पे ही। पहले भी ये जिम्मेदारी दी जा सकती थी, इलेक्शन के टाइम ही प्रत्याशी बनाए जाते हैं। नहीं, जिलाध्यक्ष जब वो प्रत्याशी बनाए उसके पहले हमारे जिलाध्यक्ष बन गए थे। एक चीज़, हमारे जिलाध्यक्ष पहले बन गए थे, कैंडिडेट की चर्चा ज़्यादा थी। दूसरी चीज, भाजपा पहली बार शाक्य प्रत्याशी नहीं बना रही, कई बार बनाई, हर बार मुंह की खानी पड़ी है, इस बार भी मुंह की खाएगी। हर बार भाजपा हारी है, इस बार भी हारेगी और इस बार तो भाजपा की जमानत जब्त होने जा रही है। अच्छा, धर्म सिंह सैनी के बारे में बताइए। धर्म सिंह सैनी के बारे में जो वापसी कर रहे थे, अचानक से लौट गए। धर्म सिंह सैनी जो थे वापसी कर रहे थे भाजपा में, अचानक से इसका उत्तर धर्म सिंह सैनी से लीजिए जाके।